गाइस वेलकम टू टेलीस्कोप। ये देखिए ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। अरे लेकिन ये क्या, ये दोनों इतने घबराए हुए क्यों है? लगता है इन पर फिर से कोई मुसीबत आ गई है। और ये क्या, अभी अपनी जान पर खेलकर प्रज्ञा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी से ही पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें प्रज्ञा को ऐसे बाहों का सहारा देना पड़ा। शायद इसी को कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके। कहाँ चली थी प्रज्ञा रानी कपड़े सुखाने और कहाँ इस मुसीबत में फंस गई। लेकिन कोई बात नहीं प्रज्ञा, जब आपके पास अभी है तो आपको क्या फिक्र, अब जब भी कहीं फंसेगी अभी आपको जरूर बचा लेंगे। To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below.